फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ का जो मैथ्स का पेपर आपका हुआ है, उस नाइन्थ के मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर, सटीक आंसर बताने वाले हैं। कुछ भी इसमें आपको जो है गलत जानकारी नहीं दी जाएगी, आपको बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर आपको एक्यूरेट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, y=3x+5 का जो मान है वो कितना होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हो सकते हैं। y=a का आलेख एक सरल रेखा है, तो क्या होगा इसमें, x अक्ष के समानांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये आपको डेफिनेटली पता ही होगा, 180 होता है। न्यून कोण की माप कितनी होती है, तो 0° से 90° तक न्यून कोण की माप होती है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसमें आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसीलिए मार्क कर रहा हूँ। चलिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन रिक्त स्थान आपका आएगा, दो वर्ग होते हैं यदि उनकी भुजाएँ समान हो, तो सर्वांग सम। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण होती है। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360° होता है। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर में विभाजित करती है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो समानांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:1 यानी 1:1। तीन सरल बिंदुओं से होकर वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए बात कर ले हम आगे आपके जो है सही जोड़ी की, तो सही जोड़ी देख लीजिएगा आप फटाफट मेरे साथ मिला लीजिएगा। 0.45 + 0.25 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 0.70। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, है ना, एक आपके सामने लिखे भी हैं। अगला है -306/9, है ना, इसका जो मान है वो कितना होगा, तो इसका मान होगा -34। ठीक है, ये दो इसके सामने लिख दिया हमने। तीसरा वाला है -4 × -2.5, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 10। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चौथा वाला है -3.5 + 2.5, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान आपको नीचे देखना है, इसका मान होगा 1। ठीक है, चलिए अगला है पांचवे वाले में आपको 4/5, पांचवे वाला जो है इसका मान होता है 0.8, और छठा है 0.5/10, तो इसके लिए आएगा आपका 0.05। ठीक है, सभी के आगे हमने मार्क लिख दिए हैं, नंबर लिख दिए, आप आराम से देख सकते हैं, मिला सकते हैं। चलिए बात कर लें सत्यासत्य की, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जो सत्य है मैंने उसके सामने क्या लगा दिया, टी लिख दिया है, है ना, सत्य। और दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होती है, तो ये असत्य है, है ना, तो यहाँ पर एफ लिख दिया। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये सत्य है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हो, तो इसका अर्ध परिमाप a + b + c/2 होगा, सत्य है, है ना, तो सा लिख दिया। पांचवा है अर्धगोले का आयतन, तो इसका सूत्र होता है 4/3 πr³, तो ये गलत है, है ना, तो इसलिए यहाँ पर असत्य लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लास्ट इसका, छठा वाला 4/5, है ना, इसको डिवाइड हम करेंगे 8/10 से, तो इसका मान 2 होगा, तो ये असत्य होगा, तो यहाँ पर हमने एफ लिख दिया है, असत्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम जो आपको बता रहे हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपके सामने लिखे भी हैं, देख लीजिएगा उनको। 100³ का मान कितना होगा, तो 100 के आगे आप कितने 0 लगा दीजिएगा, 6 0 लगा दीजिएगा, 1 के आगे सॉरी, तो हो जाएगा आपका, है ना, 100³। रैखिक बहुपद की घात क्या होगी, तो 1 होगी। शंकु के आयतन का सूत्र, तो 1/3 πr²h। ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े उनको कहते हैं। बहुलक क्या है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है PE, यानी कि प्रायिकता बराबर n, है ना, कोष्टक में a मतलब संभावित आंकड़े, और n कोष्टक में s, है ना, जो पूरे आंकड़े होते हैं उनको यदि हम इस अनुपात में लगाते हैं, तो na + ns इसका सूत्र होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, आई होप आगे के क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, कुछ ना कुछ आप जरूर करके आए होंगे। इतना यदि आपने कर दिया है तो आप डेफिनेटली पास हो ही जाएंगे। इसी प्रकार जो है विभिन्न पेपर्स के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारे पेपर्स के सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।